नमस्कार, SBT न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 जुलाई सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में सत्र आयोजित किया। भारत ने पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की। यह 21 से 31 जुलाई 2024 तक चलेगा। समारोह में यूनेस्को की महानिदेशक आड्रे अजोले भी मौजूद हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सत्र को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने देखा है कि दुनिया में विरासत के अलग अलग केंद्र हैं, लेकिन भारत इतना प्राचीन है कि वर्तमान का हर बिंदु किसी न किसी गौरवशाली अतीत की कहानी कहता है। दिल्ली का उदाहरण लीजिए, दुनिया दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में जानती है, लेकिन यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर आपको ऐतिहासिक विरासतें देखने को मिलेंगी। संसद के मानसून सत्र और बजट से पहले पार्लियामेंट हाउस में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। बैठक में बीजेपी समेत 44 पार्टियों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हुए। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस, आप, AIMIM, YSRCP व अन्य पार्टियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद मांगा, साथ ही कहा नीट मामले में लोकसभा में चर्चा हो। सपा नेता रामगोपाल यादव ने यूपी कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया, बैठक में JDU ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा। YSRCP ने आंध्र प्रदेश को भी विशेष दर्जा देने की मांग की। मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के लालसोट कोटा हाईवे पर बड़ौती पुलिस चौकी के सामने रविवार दोपहर स्वायं माधोपुर से लालसोट की तरफ जा रहे कैबिनेट मंत्री व स्वायं माधोपुर विधायक डॉ. किरोड़ीलाल मीना के काफिले की कार डंपर को बचाने के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर को बचाने के चक्कर में आगे चल रहे कार चालक के द्वारा अचानक ब्रेक लगा दिया गया, जिसके चलते एक साथ 3 कार आपस में भिड़ गई। घटना के वक्त कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना की कार सबसे आगे चल रही थी। उनके पीछे काफिले में चल रही कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। हालांकि दुर्घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, मगर तीनों लग्जरी कार क्षतिग्रस्त हो गई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने राज्य सरकार से जोधपुर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। गहलोत ने रविवार को अपने बयान में यह मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक खबर शेयर कर कहा, यह खबर मुझे दुखी कर रही है कि कुछ महीने पहले तक मेरे शहर जोधपुर का नाम मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट, मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर, पावटा ISBT जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए चर्चा में था। वहां आज अपराध के समाचार अखबार की मुख्य खबरें बन रहे हैं। राजस्थान सरकार ने गत कांग्रेस सरकार में शुरू किए गए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। इन स्कूलों में लगने के लिए तृतीय श्रेणी से लेकर प्रधानाचार्य पद तक के लिए शिक्षक को परीक्षा देनी होगी, जिसके बाद ही उन्हें इन स्कूलों में लगाया जाएगा। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से इन स्कूलों को समीक्षा कर बंद किए जाने के बयान सामने आते रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने इन स्कूलों में लिखित परीक्षा से रिक्त पदों को भरने की तैयारी की है। राजस्थान में बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन का क्षेत्र कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। यह वर्तमान में ओडिशा, छत्तीसगढ़ में आसपास के क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। मानसून ट्रफ लाइन अपने सामान्य से दक्षिण में स्थित है और जैसलमेर कोटा से गुजर रही है। इस तंत्र के प्रभाव से राजस्थान के कुछ स्थानों पर आगामी दिनों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में 21-22 जुलाई को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने तथा कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर तथा भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश व 23 जुलाई को एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। नीट पेपर लीक मामले में CBI ने भरतपुर के जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है। दोनों स्टूडेंट्स ने डमी कैंडिडेट बनकर हजारीबाग में 5 मई को पेपर दिया था। CBI की टेक्निकल सर्विलांस टीम ने दोनों स्टूडेंट्स के एग्जाम के दौरान हजारीबाग में मौजूद होने की पुष्टि की। इसके बाद CBI का स्टाफ
नेशनल मेडिकल काउंसलिंग का स्टाफ बनकर 16 जुलाई को भरतपुर के मेडिकल कॉलेज पहुंची। दोनों स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी जुटाई और किराए के कमरे से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए दोनों छात्रों में एक जोधपुर का कुमार मंगलम बिश्नोई व दूसरा दौसा जिले का दीपेंद्र कुमार है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा की ओर से त्रिनेत्र गणेश मंदिर के महंत संजय दादीच को अभिनंदन पत्र भेजा, जिसे लेकर देवस्थान विभाग के अधिकारी महंत संजय दादीच से मिले और मुख्यमंत्री का अभिनंदन पत्र प्रदान किया। त्रिनेत्र गणेश मंदिर ट्रस्ट के प्रधान सेवक हिमांशु गौतम ने बताया कि मुख्यमंत्री त्रिनेत्र गणेश के अनन्य भक्त हैं। वे समय समय पर सपरिवार त्रिनेत्र दरबार में ढोक लगाने आते हैं। झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके के मठ में एक कार रोडवेज बस से कार टकरा गई। पुलिस कार सवारों का पीछा कर रही थी। कार में सवार दो लोग घायल हो गए। कार में कुल तीन लोग बैठे थे। एक युवक हादसे के बाद फरार हो गया। दोनों घायलों को BDK अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने एक घायल को हिरासत में ले लिया। एक का इलाज चल रहा है। ये कार सवार पुलिस से डर कर भाग रहे थे। आरोपी मंडावा थाना इलाके के दुरान गाँव में स्कूल बस को रुकवा कर उसमें चढ़ गए थे। चालक से मारपीट की थी, बच्चों को डराया था। RPSC की ओर से निकाली गई खान एवं भू विज्ञान विभाग में भू वैज्ञानिक के 32 पदों एवं सहायक खनिज अभियंता के 24 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज यानी 22 जुलाई से कर सकते हैं। इसके लिए लास्ट डेट 20 अगस्त 2024 की रात्रि 12 बजे तक है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया, शैक्षणिक योग्यता वर्गवार वर्गीकरण आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। सावन महीने की शुरुआत आज 22 जुलाई से हो रही है। यह महीना भगवान शिव की आराधना करने का महीना है। 29 जुलाई को चित्तौड़ शहर से महाकाल की नगरी उज्जैन तक 151 फीट लंबी विकसित भारत तीसरी तिरंगा कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। 20 पहियों की इस ट्रॉली पर अनूठी कांवड़ यात्रा में 31 फीट का तिरंगा, विकसित भारत के मॉडल और महाकाल की झांकी होंगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अजमेर के वैशाली नगर में भाजपा समन्वय समिति व जिला पदाधिकारी की बैठक में शामिल होने के लिए आए थे। जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कार्यक्रम था, वहां उनके आने से करीब आधे घंटे पहले बाहर बिजली का तार टूट गया। इसे चिंगारी निकली। ये तार एक बाइक पर गिर गया, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इसके बाद टाटा पावर को सूचना भी की। बाद में मंत्री भी पहुँच गए, लेकिन तार दुरुस्त नहीं हुआ। इस दौरान भाजपाई ने सबको सावधान रहने की अपील करते देखे गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा आज 22 जुलाई को अजमेर जिले के केकड़ी आएंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि श्री शर्मा दोपहर 1 बजे राजकीय PG कॉलेज ग्राउंड केकड़ी पहुंचेंगे और 1:15 बजे कृषि मंडी प्रांगण में आएंगे। वह दोपहर 1:15 बजे से 3 बजे तक कृषि उपज मंडी प्रांगण में बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में केकड़ी जिले को आवंटित बजट के संबंध में धन्यवाद सम्मेलन में भाग लेंगे एवं रक्तदान शिविर का अवलोकन करेंगे। कोटा के यात्री पहली बार 2 सितंबर को वंदे भारत ट्रेन से कोटा से आगरा फोर्ट तक का सफर कर सकेंगे। रेलवे की ओर से हफ्ते में 3 दिन सोमवार, गुरुवार और शनिवार को उदयपुर से कोटा होकर आगरा फोर्ट तक ट्रेन का संचालन किया जाएगा। रेलवे सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में वंदे भारत उदयपुर से जयपुर के बीच सप्ताह में 6 दिन चल रही है, लेकिन इसे पर्याप्त यात्री भार नहीं मिल रहा है। टोंक जिले में बिसलपुर बांध का जलस्तर लगातार तीसरे दिन स्थिर रहने के बाद रविवार को गिर गया है। रविवार सुबह 11 बजे तक बिसलपुर बांध का जलस्तर 310.24 RL मीटर है, जबकि 24 घंटे पहले इसका जलस्तर 310.26 RL मीटर था। इसका जलस्तर बांध के भराव क्षेत्र समेत आसपास के क्षेत्र में तेज बारिश नहीं होने से कम हुआ है। उधर जिले में बीते 24 घंटे में बारिश 1/2 दर्जन क्षेत्रों में ही हुई है। इससे 24 घंटे में महज जिले की औसत बारिश 3 mm बारिश दर्ज की गई है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज़। धन्यवाद।